और आज हमारे साथ हैं कुलदीप यादव जी, जिनको पता है अपनी फिरकी से कैसे गेम को पलटना होता है। तो हाय कुलदीप जी, कैसे हैं? थैंक यू पाजी। बताइए कैसा लगा आज? पहले आपने विद द विंड डाला बॉल एंड उसके बाद अगेंस्ट द विंड डाला, तो कितना मुश्किल था या फिर कितना आपको मजा आया? नहीं, मुश्किल तो था क्योंकि ऑटोमेटिकली मेरा बॉल इधर राइट के लिए अंदर आता है, तो ऑब्वियसली राइट ही लेग साइड टारगेट करने को देख रहे थे, तो बस बैट्समैन को मैं रीड कर रहा था कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। जैसे मैंने पहला ओवर स्टार्ट किया था तो मैं फुलर बॉल डालने फुलर डालने की कोशिश किया था, क्योंकि अगर वो स्वीप मारे तो लेग फोर का चांस हो। फिर वहाँ से मैं रॉन्ग वन बाहर फेंक रहा था ताकि वो अगर, तो उसको कन्फ्यूज कर रहा था कि मैं ये एक दो बॉल डाल रहा था, मैंने दो ही बॉल डाली स्टार्टिंग के पहले ओवर में, दोनों उसको कन्फ्यूज़ किया कि मैं एक फुलर भी डाल सकता हूँ, एक वाइड भी रॉन्ग वन डाल सकता हूँ। तो फर्स्टली ये प्लान था। फिर सेकेंड ओवर में ऑब्वियसली वो कैच जो अक्षर ने लिया, वो वाकई बहुत अच्छा कैच था, शायद वहाँ से गेम अच्छा खुला हमारी appreciation तरफ। for अक्षर भाई कैच, yeah. Okay. Yeah, next. बिल्कुल। और पाजी कांग्रेट्स, आपका 50 T20 इंटरनेशनल। थैंक यू पाजी, थैंक यू। और बहुत अच्छी बॉलिंग आप थ्रू आउट द वर्ल्ड कप कर रहे हैं, तो आप क्या आपकी अप्रोच कैसी हो रही है? नया बॉल आप डाल रहे हैं, नई बॉल पर विकेट निकाल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप 200 रन बोर्ड पे लगाते हैं, फिर जैसा कि पहले दो ओवर आपने डाले, उसके बाद इवन पूरे वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से लेकर अभी तक सब देख रहे हैं कि नया बॉल अच्छा डाल रहे हैं, फर्स्ट ओवर स्टार्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस जो आप कैरी कर रहे हो, अब उसके बारे में बात करेंगे प्लीज़? उसके बारे में मतलब इतना कुछ मुश्किल है नहीं मेरे को जो लग रहा है इस टाइम पे, क्योंकि साथ में जैसे भाई बॉल डाल रहे हैं तो उनका तो ऐसे जैसे वीडियो गेम चल रहा है, दो तीन की इकोनॉमी से बन डालते हैं, तो फिर सारा प्रेशर जो बैट्समैन पे रहता है वो मेरे पे निकालने जाते हैं। हाई रिस्क शॉट्स खेलते हैं, वहाँ पे चांस आ जाता है, विकेट मिलते हैं काफ़ी मेरे को, तो मैं कहूँगा कि काफ़ी क्रेडिट उनको जाता है। और बाकी के भी बॉलर जितने भी हैं बहुत बढ़िया डाल रहे हैं पार्टनरशिप में, एक एंड से रन रोकते हैं, दूसरे एंड से विकेट मिलता है, तो आई गेस एज अ बॉलिंग यूनिट सभी बहुत बढ़िया से क्लिक कर रहे हैं एंड सबको क्रेडिट जाता है। विकेट यहाँ पे थोड़ा सा स्पिन ट्रैक है, तो आपका क्या प्लान होता है बॉलिंग में, स्पेशली जब आप डेथ ओवर में बॉलिंग कर रहे हो तो आप किस माइंडसेट से आते हैं? बात यही हुई थी जैसे एक एंड से हवा चल रही है तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे एंड पे बॉल खिलवाएं ताकि उनके लिए ईजी ना रहे शॉट्स मारना बैट्समैन को। एंड जैसे रोहित भाई ने लंबी इनिंग खेली, उन्होंने बताया भी कि जो नया बैट्समैन आएगा इनके लिए ईजी नहीं रहेगा, रोहित भाई की इनिंग एप्रिसिएशन, एंड यही है कि इजी नहीं रहेगा जो भी नया बैट्समैन आएगा, तो यही कोशिश थी कि जैसे ही सेट बैट्समैन के विकेट मिले तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वीज़ किया जाए, और वहाँ पे जब बीच में के स्पिनर्स ने पेयर में बहुत अच्छा बॉल डाला और रन रेट को काफ़ी बढ़ा दिया, तो उसके बाद ऐसा कोई ज़्यादा टैक्टिक था नहीं, चीज़ों को सिंपल रखने का ही प्लान था। आप बताइए, आपकी जो सेलिब्रेशंस हैं काफ़ी नॉर्मल सी हो गई हैं, आप कोई जंप नहीं दिखता मिलने दिखता है, कोई अग्रेशन नहीं दिखता, ऐसा क्यों हो गया? आई मीन पता नहीं, जब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा अच्छी बॉल पड़ जाए तो उस पर ऑटोमेटिक जंप आ जाती है, हाँ। या फिर अभी जो मैं प्लान करता हूँ, मैं जो बैट्समैन को मैं रीड करता हूँ कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे से, और मैं हमेशा उससे सोचता हूँ कि मैं उससे एक कदम आगे रहूँ, कि अगर वो स्वीप मारने वाला है तो मेरा प्लान क्या है, मुझे पता होना चाहिए कि वो अगली बॉल क्या खेलने वाला